कहावत मशहूर है कि बेटा पेट में, गेहूं खेत में और चले ब्याह की तैयारी करने। झारखंड की सियासत में आजकल यही हो रहा है। इंडिया गठबंधन के दो अहम घटक दल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सीएम पद के लिए भिड़ गए हैं। दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे से कह रहे हैं कि हमारा सीएम तुम्हारे सीएम से ज्यादा सीएम बनेगा। तकरार भी ऐसा कि एक ने दूसरे को धमका दिया कि माना तू होगी हंसी, लेकिन जो कबूल नहीं मेरा प्यार तो तू नहीं तो कोई और सही। सत्ता पर हक के लिए जज्बात ऐसे उठे कि बात औकात बताने तक पहुंच गई। सीएम की कुर्सी पर विवाद का आलम ऐसा है कि पहला नेता दूसरे पर एक्स बॉयफ्रेंड की तरह तंज करने लगा है, याद कर जहिया। खैर छोड़िए, डिटेलिंग में नहीं जाते। मौसम चुनाव का है, जाहिर है बयानों की बारिश होगी, टिप्पणियों का वज्रपात होगा, और जब चुनावी मौसम सियासी साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हो जाता है तो बयानों का फ्लो गड़बड़ा जाता है। नेता भी तनिक अति उत्साह में होते हैं। देखिए ना, सोमवार को कार्यकर्ताओं का जोश देखकर कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर अपना होश खो बैठे। फ्लो में कह दिया कि आप लोग 25-30 सीट जीत कर लाइए, फिर मुख्यमंत्री कांग्रेस का भी होगा। झारखंड में सीएम की कुर्सी रोटेशनल होगी, माने 2.5 साल छामूमू तो 2.5 साल कांग्रेस का सीएम बनेगा। गुलाम अहमद मीर बोलने का बोल गए। सोचा नहीं होगा कि उनका एटम बयान छामूमू के हिरोशिमा और नागासाकी में कोहराम मचा देगा। मचना था सो मचा। गुलाम अहमद मीर ने सीएम की कुर्सी पर जो भी कहा वह झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के सीने में धक से लगा। आओ देखा ना ताओ बरस पड़े। कहा कि कुत्ता पालिए, गलतफहमी मत पालिए, पता ना हो तो 2009, 2014 और 2019 याद दिलाओ। सुप्रियो भट्टाचार्य कांग्रेस की लानत मनानत करने में यही नहीं रुकी। कह दिया कि हमने कांग्रेस को लोकसभा की सीट जीत कर दी, उसका यह रिटर्न गिफ्ट कि सीधा सीएम की कुर्सी पर दावेदारी कर डाली, ये ना चोर बे। फिर कहा हमारे कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन हमने गठबंधन का लिहाज किया है। जब हम साथ साथ हैं तो जुदाई वाले गीत क्यों गा रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने जाते जाते धमकी दे डाली। कहा कि जिसको हमारे नेता हेमंत सोरेन का नेतृत्व स्वीकार होगा वो साथ आए, वरना राम राम। जब 18 सीटों वाले गुलाम अहमद मीर सीएम पद पर दावेदारी ठोक रहे हैं तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। सुप्रियो भट्टाचार्य क्यों न चौड़ में रहे। कह दिया हम इतने मजबूत हैं कि 81 में से 55 सीट यूं ही खड़े खड़े जीत जाएंगे। सुना है कि सुप्रियो भट्टाचार्य की इस टिप्पणी के बाद हरमू वाले बीजेपी दफ्तर से हल्की सी आवाज आई है कि 55 सीट आप जीतेंगे तो हम चुनाव में क्या दूध भात खेलने आए हैं। हाँ नहीं तो सुप्रियो भट्टाचार्य का गुस्सा देख शायद गुलाम अहमद मीर को लगा होगा कि फ्लो में ज्यादा बोल गए। जो बोला वह झारखंड में कांग्रेस की पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, एहसास हुआ तो गुलाम अहमद मीर लालू के लाल तेजस्वी यादव बन गए। कहने लगे हम कुछ कहते हैं आपको, कभी कुछ कहे हैं, इतना अच्छा हम लोग बैठते थे, बात करते थे, हम तो कार्यकर्ता लोग में जरा सा जोश भर रहे थे, आप नाहक गुस्सा करते हैं, ये लीजिए पीकदान, थूक डालिए गुस्सा। अरे आप ही तो हमारे फेवरेट दोस्त हैं और दोस्त के बिना मन ही नहीं ना लगता है। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतना चाहती है, छामुमो की भी यही ख्वाहिश है, ये तो गठबंधन के लिए ठीक बात है। सुप्रियो भट्टाचार्य नाहक अधीर हो गए। हम कहाँ कहे हैं कि सीएम हमारा होगा। वैसे मीर साहब सच कहूँ तो कुछ भी गलत नहीं कहा है आप। सबके मन में इच्छा होती है, सियासत में इच्छा खत्म हो जाए तो खाक सियासत, किसे कुर्सी नहीं चाहिए। अरे महाराष्ट्र में कुर्सी के लिए ही तो बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटा। यही 50-50 करने के चक्कर में यदि आप ऐसा रिस्क उठा सकते हैं तो पालिए ना सीएम पद की ख्वाहिश, कौन रुका है। सुप्रियो दा कुछ तो कहेंगे, उनका काम है कहना।